वर्तमान बिहार ट्रेंड जहाँ आसूँ वर्तमान एनडीए कौटना कौटि पुणी थे आगक बढ़ुची तेरे जदि सका ट्रेंड कह पोस्टाल बालाट पेपर कथ कह से जेडीयू आगक बढ़ुला तेणु महामंटू को गोटे झटका लगे आशा कराला तेणु एक्जिट पुल जो भाव में आसी बर्तमान अनुकरण करी बर्तमान जहाँ रेजल्ट आस एक्जिट पुल फेल हो पाए तेज अनेक जो एगार स्टेट बैलेक्शन होता तार रेजल्ट सामना को एमपी उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ुत से अधिक आलोचना करवा शायद जफर इस्लाम आम सहित अच्छा बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र सीधा सड़क आलोचना करवा सर सर्वप्रथम चैनल को स्वागत कर रहा हूँ। तो सर जो ट्रेंड अभी आ रहा है अभी कहीं ना कहीं आपको राहत की खबर है? देखिए जो एग्जिट पोल्स थे उसके मुताबिक कुछ एग्जिट पोल्स हमें बढ़त दे रहे थे, कुछ एग्जिट पोल्स महागठबंधन को बढ़त दे रहे थे, कुछ कह रहे थे नेक टू नेक, लेकिन उनको एक बार को इग्नोर करते हुए हम अपने एग्जिट पोल जो हमारा अपना होता है जो पार्टी का होता है पार्टी के हमारे इतना बड़ा सैंपल सर्वे आता है इसलिए कि हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता हर बूथ पे बैठ रहे हैं और उनका जो फीडबैक वो जो घर घर तक जाते हैं उनका फीडबैक जो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट होता है उसके बेसिस पे ही हम अपनी ओपिनियन फॉर्म कर पाते हैं। तो उसके बेसिस पे जो हमें अनुमान है और उसके अनुसार और जो अनुमान हमने लगाया है उसका हमको लगता है कि कम से कम 2/3 मेजोरिटी या उसके आसपास हम रहेंगे और जो इनिशियल ट्रेंड अभी शुरुआती रुझान है और लेकिन आगे आप देखिएगा जिस तरह से हम बढ़त बनाते जा रहे हैं वैसी बढ़त और बढ़ती जाएगी। अभी 125 पे हैं और आगे आने वाले टाइम समय में और आप हमारे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है जैसे आप बोल रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी मिलेगा तो ज़्यादा डिफरेंस शुरुआती में नहीं मिल रहा है? देखिए ना अभी थोड़ा देर पहले वो सुबह में वो 100 पे थे 99 पे थे और हम 70 पे थे, अभी हम 125 पे हैं वो 110 पे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे अभी 2-3 राउंड हुए हैं शुरुआती रुझान है लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा हमारी पोजीशन बढ़ेगी और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे ये पक्की बात है। पक्की बात है सर, लेकिन दूसरी स्टेट की बात किया जाए जो बाई पुल हुआ था मणिपुर में आपका आगे बढ़ रहा है, यूपी में शायद आप भी आगे बढ़ रहे हैं और जो एमपी में खास करके सबका नज़र है कमल या कमलनाथ क्योंकि वहाँ पे 8 सीट भी चाहिए आपको मैंडेटरी मिलने के लिए तो उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है आपके लिए? देखिए वहाँ पर कमलनाथ हो गए धूल, खिलेगा वहाँ पर कमल का फूल। तो अब वहाँ पर जिस तरह के से सरकार में 1.5 साल में उन्होंने करप्शन किया, प्रदेश के हित में नहीं बल्कि अपने परिवार के हित में सादे फैसले लिए, ऐसी सरकार से राहत मिली वहाँ की जनता को और इस जो अभी जो संकेत आ रहे हैं शुरुआती रुझान जो देखे हैं 28 सीटों में से वो अभी 20 की सीटों के 19 सीटों में हम आगे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ कम से कम 22 सीटें तो हमें ज़रूर मिलेगी, हो सकता है 24-25 भी मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। वहाँ की जनता बहुत में उत्साह है, वो चाहते हैं कि इंडिया की सरकार रहे और वहाँ सरकार इंडिया की इसलिए रहे कि उन्हें मुक्ति मिली है करप्शन से, क्राइम से और परिवारवाद से और ऐसे लोग से जो सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए काम करते और जनता के हित में काम करने वाली अभी सरकार है इसलिए वहाँ पर लोगों में उत्साह भी है। आप शुणुले जफर इस्लाम सर जी की प्रतिक्रिया रखिले कौटना कौटि भल रेजल्ट बिहार रे करिवे एवं खास करी जो एमपी कथा सामना को आसला एमपी रे मध्य 8 सीट आवश्यक शिवराज सिंह चौहान को तो सेठी 22 सीट से जितिबे बोली गुडे कॉन्फिडेंस जतैछती एवं यह सहित मणिपुर रे जो सीट रे बाइपोल हेतला सेटार मध्य बीजेपी जथेष्ट आगे बढ़ुची, यूपी कथा जदि कहबा यूपी रे मध्य 7 सीट रे बाइपोल हेतला सेटार मध्य आगे बढ़ुची तबे निश्चित भाबे आउरी घंटे 2 घंटा वेट करियो पड़िबो कोन रिजल्ट आसुची एवं कहार पल्ला भारी रहुची। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज सहित गगन अरगस न्यूज।